सिर्फ सच। बीएचयू में विश्वविद्यालय प्रशासन के लचर रवैये ने बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद कर दिए कि अब वो विश्वविद्यालय को ही निशाना बनाने लगे हैं। 20 दिसंबर को बीएचयू ने यही नजारा देखा। यहाँ सितंबर से अब तक हुई सभी घटनाओं, तोड़फोड़ और बवाल में शामिल रहे समाजवादी छात्र सभा के नेता आशुतोष सिंह की सर सुंदरलाल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ओपी उपाध्याय को धमकाने और उनकी कार पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। बदमाशों ने परिसर में ईंट पत्थर चलाए, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की, उन्हें रोकने पहुंची चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह से टूटू मैमे की, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के वाहन को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया, परिसर में लगे क्लोज सर्किट कैमरे तोड़ दिए, परिसर के बीच से गुजर रही बच्चों से भरी स्कूल बस में आग लगा दी, आर्य महिला पीजी कॉलेज की बस को रोककर तोड़फोड़ की, पेट्रोल पंप और कई अन्य स्थानों पर पेट्रोल बम से हमला किया। सर सुंदरलाल चिकित्सालय से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, मंदिर के एक एटीएम पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर वहां जमकर हंगामा किया, अराजक तत्वों के डर से सभी दुकानें बंद हो गई हैं। घटनाक्रम के बाद देर रात चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रायना सिंह ने बवालियों का नेतृत्व कर रहे गौरव सिंह और 15 अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि पिछले करीब महीने भर से आशुतोष सिंह का मामला चर्चा में है। सबसे पहले आईआईटी बीएचयू में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी छात्र सभा के बीएचयू इकाई के अध्यक्ष आशुतोष ने समर्थकों संग हंगामा किया। इतना ही नहीं, बीएचयू की चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर रायना सिंह से भी उनकी टूटू मैमे हुई थी। इसके बाद एक मामला आईआईटी बीएचयू के निदेशक के फेसबुक अकाउंट से छात्रों को गाली गलौज का सामने आया, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। बाद में निदेशक प्रोफेसर राजीव संगल ने उसे फेक अकाउंट करार दिया और लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। यह मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक डॉक्टर ओपी उपाध्याय के साथ फोन पर गाली गलौज और रात में घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। इस मामले में चिकित्साधीक्षक डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद बीएचयू में हॉस्टल और अन्य भवनों के निर्माण में लगे सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने रंगदारी मांगने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। इन गंभीर मामलों के बावजूद बीएचयू प्रशासन ने आशुतोष सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बड़े हौसलों के साथ ही खुलेआम गुंडई करने में जुटे रहे। बड़ी मुश्किल से लंका पुलिस सक्रिय हुई और आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया। इसकी सूचना मिलते ही आशुतोष के समर्थक उग्र हो गए और जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले में आशुतोष सिंह की गिरफ्तारी और इसके बाद मचे बवाल में उनके समर्थकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आशुतोष गुट के अराजक तत्वों पर कानून का कोई भय नजर नहीं आया। शुभम तेवतिया के साथ एक अन्य छात्र ने मिलकर गुरुवार को कैंपस में इंटरनेशनल हॉस्टल के समीप चल रहे इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल साइट पर जाकर रंगदारी मांगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से आशुतोष जेल में है, अब जमानत के पैसे दो। दोनों ने वहां काम कर रहे मजदूरों को पीटा और सुपरवाइजर से भी मारपीट की और उन्होंने उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। पर महज दो छात्र सुबह 11 बजे पहुंचे और काम कर रहे मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल दोनों की गुंडई क्लोज सर्किट कैमरे में कैद हो गई है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस पर सबकी निगाह है। इस बीच सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने सुरक्षा मिले बिना काम करने से इनकार कर दिया है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बिना कागजात सोने के लेन देन का कारोबार जारी है। पुलिस ने पूर्वांचल में कई बड़े सर्राफा व्यापारियों को बिना लिखा पढ़ी के सोना पहुंचाने का काम करने वाले भेलूपुर निवासी राजेश गुप्ता और प्रतापगढ़ के चौक निवासी अंकित खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया। राजेश गुप्ता के पास से 21 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ कीमत वाले 3.5 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए। राजेश ने दावा किया कि कोलकाता की फर्म का सोना वह दिल्ली पहुंचाने जा रहा था। वैसे सोने और नकद के बारे में वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। खास बात यह है कि राजेश की पत्नी ने 15 दिन पहले पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की तहकीकात में पता चला कि वह खुद ही छुपा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद राजेश ने पुलिस को बताया कि उसके भांजे रितेश के खिलाफ कोलकाता के एक
कारोबारी संजीव ने दिल्ली में करोड़ों रुपए मूल्य का सोना हड़पने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। राजेश ने भी दिल्ली, मऊ, कानपुर समेत पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में सर्राफा का कारोबार करने वाले कारोबारियों का सोना हड़प रखा है। कारोबारियों का दबाव पड़ने पर राजेश ने पत्नी और रिश्तेदार के संग मिलकर नाटक रचा और खुद गायब हो गया। 12 को एक थाने पर गुमशुदगी दर्ज की जाएगी देखिए, एक व्यवसायी की पत्नी द्वारा कि उसके पति गायब हो गए हैं, जिनके पास गोल्ड है और कुछ रुपए हैं और बिजनेस के पर्पज से निकले और वो डिसअपीयर है, मोबाइल स्विच ऑफ है, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, परेशान है। पुलिस इसमें तत्परता से लगी और इसमें अपने सभी संसाधनों को लगाया गया। थोड़ी देर बाद आने जानकारी लगने लगा कि नहीं, ये कहीं कोई घटना तो नहीं हुई, खुद ही अपने को आपको छिपा रहे हैं। लेकिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गुरुवार को गहमा गहमी के बीच 71 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। ढोल नगाड़े संग जुलूस निकाल प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने पहुंचे। नामांकन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए थे। प्रत्याशियों संग उनके एक दो समर्थकों को ही जाने दिया गया। नामांकन सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। दोपहर 1 बजे तक नामांकन का समय निर्धारित था। हालांकि जो प्रत्याशी परिसर में पहुंच गए थे उन्हें समय समाप्ति के बाद भी नामांकन का मौका दिया गया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य चयन के लिए श्री भारत धर्म महामंडल के जनरल सेक्रेटरी धड़े की ओर से गठित चयन समिति की 20 दिसंबर को आयोजित बैठक आवेदकों के बायोडाटा के अभाव में बेनतीजा रह गई। इसमें संबंधित संतों का बायोडाटा मंगाने के लिए 1-2 दिन का समय देने का निर्णय लिया गया था। समिति को करीब 200 संतों के नाम शंकराचार्य पद के लिए प्राप्त हुए हैं। इनमें से सिर्फ 4 के ही बायोडाटा थे। 22 दिसंबर को वापस बैठक आयोजित की गई है। दूसरी ओर डिप्टी सेक्रेटरी के धड़े ने गुरुवार को बैठक कर जनरल सेक्रेटरी धड़े पर संस्थान पर कब्जे की साजिश रचने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अचानक 20 सदस्यीय संचालक मंडल को बिना विश्वास में लिए नए सदस्य बना दिए गए। करीब 200 लोगों को सदस्यत्व भेजा जा रहा है। चयन में श्री भारत धर्म महामंडल, तीनों शंकराचार्य, वर्ष 1941 का नियम और मठान्नाय महानुशासन का पालन किया जाएगा। इसके लिए वेद और विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रामानंद त्रिपाठी की राय को भी शामिल किया जाएगा। आजाद पार्क में गुरुवार को वाराणसी युवा व्यापार मंडल और युवा काशी बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल की ओर से ई वे बिल की खामियों और मंडी शुल्क के विरोध में धरना दिया गया। अध्यक्षता करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने कहा कि व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए सरकार रोज नए बिल लाद रही है। उन्होंने बिल का पुरजोर विरोध करने की बात की। जमनिया स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार भोर 2:45 बजे डाउन मेन लाइन में कामाख्या एक्सप्रेस गुजरने के बाद रेल पटरी चटक गई। इससे 1 घंटे 5 मिनट तक परिचालन बाधित रहा। 47 मिनट तक दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस धीना स्टेशन पर खड़ी रही। राजधानी के खड़े होने से दानापुर नियंत्रण कक्ष में हड़कंप मच गया। सुबह 4 बजे भोर में परिचालन बाहर हुआ। बलिया में फर्जी आईडी पर बड़ी संख्या में रेलवे ई टिकट बनाने का मामला पकड़ में आया। आरपीएफ ने गुरुवार को बैरिया के रानीगंज बाजार स्थित रुद्रा कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी कर वहां से पर्सनल यूजर आईडी से बने 61,430 रुपए के 44 ई टिकट, 23,000 रुपए नकद और 2 लैपटॉप बरामद किए। मौके से सुधीर कुमार और अनु शर्मा को गिरफ्तार कर दुकान को सीज कर दिया गया। आरपीएफ प्रभारी ने बताया कि ये अपराधी सॉफ्टवेयर की मदद से आम लोगों से पहले टिकट बना लेते हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय पर संविदा कर्मियों ने धरना दिया। इसमें सोनभद्र से लेकर तमाम जिलों के संविदा कर्मी शामिल हुए। और जो निकाला था निविदा उसमें लिखा था 1 लाख वाला, पैसा खाया उसको दे दिया।
और एक और है बताइए कोई ये सब आप तो सब जान जाते हैं किसी नाम चल रहा है ना सर गेम ने भी कहा मैं तो यहाँ के एसी से परेशान हो गया हूँ जाने तो कर दूँ सुनाओ और चार मिनट